लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं। उसके लिए यह भवसागर गोकुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या घी वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञ ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार श्री भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही श्री भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। वहां जहां ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है और ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश सोचता है कि जीव की स्थिति तथा श्री भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पत्र चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा लेता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी इस संसार की पोल खोल रहे हैं ना? इस भौतिक जगत को एकदम थर्ड क्लास स्थान मानकर प्रभुपाद जी और भगवान के जो भक्त हैं, वो इस संसार को रहने लायक स्थान बताते ही नहीं है। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, वो सभी क्या है? दुखी है। लोग किस तरह से भगवान की जो माया शक्ति है, हर जीव दुखी, ये लगता नहीं है ना?
हमें लगता है कि एक दिन तो सुखी हो ही जाएंगे। हरे कृष्णा, ठीक है, इस पर अटेंड करता हूँ। हमें ये लगता है कि देखो, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये संसार दुखालय है, वो स्थान जहां पर दुख की प्राप्ति होती है। वो सीधी बात है, जैसे मान लीजिए अगर आप पानी के अंदर जाएं तो निश्चित रूप से गीला होंगे आप। बहुत प्रयास करें आप, नहीं नहीं पानी तुम हटो, दूर हटो, दूर हटो, पानी पास मत आओ, हटाओगे तो फिर क्या होगा, फिर आ जाएगा पानी को, फिर हटाओ फिर आ जाएगा। कहाँ तक हटाओगे? पनडुब्बी पे जा सकते हैं, पनडुब्बी होती है ना, हाँ तो भी है। लेकिन भगवान ने इस भौतिक जगत में कोई पनडुब्बी नहीं बनाई। आप समझे नहीं मनीष, मैं आपको पानी में उतारने की बात कर रहा हूँ। आपकी आप थोड़ी पानी में उतरे हो, वो मशीन उतरेगी। जब हमें पानी के अंदर डाला जाएगा तो उस पानी से हम बहुत प्रयास करेंगे कि तुम दूर रहो मुझसे, हम बच नहीं सकते, प्रयास तो करेंगे पानी से दूर रहो, नहीं बच सकते। तो जिस तरह से पानी के अंदर जाने का हम लोग अगर वो प्रयास करेंगे, पानी को हटाएं, सारे प्रयत्न करें पानी को हटाने के, फिर भी वो पानी वापस आ जाता है, वैसे ही भौतिक जगत में हम कितने ही प्रयास करें अपने आप को सुखी करने के, लेकिन क्या करें, फिर दुख आ जाता है। हटाते हैं दुख, दूर करते हैं, सुख पाने का इच्छा करते हैं, लेकिन पता नहीं फिर दुख आ जाता है। बचपन से प्रयास कर रहे हैं, और ये भी हम लोग ऐसे सोचते हैं कभी कभी, हमारे भक्तजन बोलते पूजी ऐसा बोलते कि हम अपने परिवार को सुखी कर देंगे, ऐसा कई बार होता है। जैसे हम उनको कहेंगे भक्ति कर लीजिए पूजी थोड़ा सा, तो यही बात बोलते हैं पूजी, भक्ति करेंगे तो फिर माता पिता की सेवा कैसे करेंगे, है ना, उनको सुख कैसे पहुंचाएंगे। लेकिन मैं खुले आम बोलता हूँ, आप पूरी ताकत लगा दीजिए, आप उनको सुखी नहीं कर पाओगे, उनको छोड़ो यार, आप खुद को कर लो, करके दिखाओ, जो करना है कर लो, कर लो जो करना, करके दिखा लो। जिस दिन कर लो उस दिन से फिर हम आपको आपको गीता नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि फिर आप तो सुखी हो गए। जो करना चाहते हैं, जिस अवस्था में चाहते हैं, हिमालय चल जाओ, यहाँ गर्मी है तो वहां चल जाओ, वहां ठंड लगी, फिर अपने आप ठंड से बचाने के लिए कुछ और करोगे, फिर ठंड परेशानी, वहां बीमार हो गए, कोरोना हो गया, कुछ हो गया, फिर दुख, इतना सारा पैसा खर्च होगा हिमालय में जाके, वो दुख। तो ये ध्यान रख लीजिए पूजी, ये भौतिक जगत, जिस जगत में हम लोग रह रहे हैं, भगवान तो यहाँ तक कहते हैं पृथ्वी लोग जाने दो, ऊपर के लोग जहाँ पर भोग के संसाधन इतने ज्यादा हैं, सोच नहीं सकते हम, इवन भोग योनि है, देवताओं की योनि और पशु योनि भोग योनि होती है, उसमें भोग खूब है, और भोग फिर भी दुख से छुटकारा नहीं। भोग खूब कर सकते हैं आप, भाई यहाँ पर तो क्या भोग करने में समस्या है पृथ्वी मंडल पर, लेकिन स्वर्ग आदि लोक में और में भोग करने में कोई समस्या नहीं है। फिर भी क्या है, पता नहीं क्यों
जैसे व्यक्ति आईएएस बन जाता है कई बार ये सोच कर कि कोई दुख नहीं आएगा, उनके घर वालों को भी लगता है इसे कोई दुख नहीं आएगा, फिर आईएएस कैसी पत्नी आ जाती है कि दुख का भंडार ले आती है। एक इंटरव्यू था 2012 में, एक आईएएस ऑफिसर ने सुसाइड किया था, उसको सुसाइड में पड़ा था, सुसाइड वीडियो बनाया उसने सुसाइड का करने से पहले। बिहार का व्यक्ति था, बोले मैं अपनी पत्नी और अपनी माँ से परेशान हूँ बहुत ज्यादा, बहुत अधिक अत्यधिक मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं जो सुसाइड करने जा रहा हूँ इसके लिए मेरी पत्नी और मेरी माँ दोषी नहीं कहे जाएंगे, बस मैं उनके झगड़े से परेशान हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ उनको, लेकिन मैं अपने अब मैं इस स्थिति को नहीं समझ सकता, इसलिए मैं अपने शरीर को त्याग रहा हूँ। और वो रेलवे के सामने आके कट के मर जाते। तो हमारा प्रयास क्या है इस संसार में सुखी होने का, और भगवान की भौतिक प्रकृति का प्रयास क्या है आपको दुखी करने का। हम भौतिक प्रकृति से कभी जीत नहीं पाए, कभी नहीं, क्योंकि ये बात तो सत्य है, जैसे ये बात सत्य है कि नहीं कि सूरज पूरब से उगता है, आप बदल सकते हैं, कोई प्रयास कर लो, कुछ मंत्र जाप, कुछ एफर्ट, नहीं ना। तब जब हमें ये बात, और हम लोग को चाहिए क्या आंतरिक रूप से, हमको क्या चाहिए, क्या चाहते हैं हम? महाराज तो यहाँ तक कहते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी प्रयास करते हैं, जो भी चेष्टाएं करते हैं, जो भी एफर्ट्स करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य होता है सुख प्राप्त करना। क्योंकि वो हमारा अधिकार भी है। लेकिन दुख की बात ये है पूजी कि जिस तरह से आग के बीच में जाकर अग्नि से नहीं बच सकते, पानी के बीच में जाके पानी से नहीं, गीला होने से नहीं बच सकते, वैसे दुखाले में आकर, इस भौतिक जगत में आकर आप दुख से नहीं बच सकते, कोई ना कोई दुख तो आपको आ ही जाएगा। कोई ना कोई दुख आपको आके घेर लेगा। लेकिन दुख की बात ये नहीं है गुरु जी कि हमें दुख होते हैं, दुख की बात ये है कि हम लोग इस दुख से निकलने से के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। भगवान ने बोला इस बात को, अगर हमें भगवद गीता में भरोसा है तो भगवान ने कहा माम उपेते पुनर्जन्मा दुखाले अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिं परमां गतः। भगवान साफ कह रहे माम उपेते, भैया अगर तुम भक्ति भजन करके जीवन के अंत में, जब भी हमारा अंत होगा, एक दिन तो अंत होना ही है, तो जब भी हमारा अंत होगा तो उस अंत के समय में अगर हमको प्रभु का स्मरण हो जाएगा तो हम भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। तो माम उपेत्ते, उपेत्ते मतलब प्राप्त करना, माम मतलब भगवान को, मुझको। तो माम उपेत्ते पुनर्जन्म, हमारा वापस जन्म नहीं होगा, कहाँ दुखालया अशाश्वतम, इस दुख के संसार में और अशाश्वत संसार में हमारा जन्म नहीं। लेकिन क्या सच में हम भगवान की इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं? हम भगवान की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं ना? श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में कुछ बातें बोल रहे हैं,
वो कहते हैं अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता है कि ये भौतिक जगत एक ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। क्या नहीं जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनका एक ड्रीम जॉब रहता है IES, जो इंजीनियर है उसके लिए ड्रीम जॉब है IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो मैं भी सोचता था कि शायद वास्तव में वहां जाके वास्तव में सुख आएगा। तो अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं एक भक्त के संपर्क में आया, वो IES ऑफिसर हैं कोटा में रेलवे में। तो मैं जो कहा हाँ वास्तव में बहुत बड़ी जॉब है, लेकिन उन्होंने ये बाद में बताया कि वो IES ऑफिसर है, उन्होंने पहले अपने दुखड़ा दुख गिनाया मेरे को। और वो अपनी वाइफ के साथ में आए थे और दोनों बोल रहे थे कि हम बहुत दुखी हैं, और खास बात ये कि दोनों की लव मैरिज हुई है। तो ऐसा कभी नहीं होगा प्रभु, वो मुझे बता रहे थे मैं अपने जॉब से परेशान हूँ, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूँ, मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ, मैं खुद से परेशान हूँ। कभी कभी बहुत दुख होता है मुझे दुनिया में, जब दुख देखते हैं ना तो बहुत दुख होता है। कि भगवान हम क्यों नहीं समझ रहे हैं बात कि इस जगत में इतना भयंकर कष्ट, इतना भयंकर दुख है। मैं तो प्रभुपाद जी को वास्तव में क्या बात बोलते हैं यार, आश्चर्य। ऐसा कोई ऐसे दुनिया में किसी आचार्य ने नहीं बोला कि ये कर लो तुम लोग धाम मिल जाएगा। किसी भी आचार्य ने बोला, आप रामानुजाचार्य जी ले लीजिए, आप वल्लभाचार्य जी ले लीजिए, आप कितने भी बड़े बड़े आचार्य गए आए और चले गए, जिन्होंने ये कहा कि अगर तुम अपने पूरे जीवन भर गुरु के संरक्षण में हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला का जाप करो और 4 नियमों का पालन करो, तो अगर भगवान भी मना करेंगे तुम्हें वैकुंठ में लेने से, तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। ऐसा वही व्यक्ति बोल सकता है जो वहां से आया हो, क्योंकि उसने जब वो यहां देखिए भगवत धाम से जब तक यहां नहीं आओगे ना, तब तक यहाँ का दुख पता नहीं लगेगा। जैसे हॉस्पिटल में कितना दुख है ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक हॉस्पिटल नहीं जाओगे आप। कैसे तड़प रहे हैं लोग वहाँ, किसी को पैर में दर्द है, किसी को सिर में दर्द है, किसी का ऑपरेशन हो रखा है, किसी को कैंसर है, किसी को क्या है। मैं तो सोचता हूँ मेडिकल में जो जॉब कर रहे हैं वो उनको माला क्यों नहीं घुमा रहे। इतना दुख देख रहे हैं वो, फिर भी उनको क्या हो रहा है। रूपा जी समझा रहे हैं क्यों ऐसा करें, अज्ञानवश, अज्ञान के कारण। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष कर ये सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रहेंगे, कर्मों से सुखी रहेंगे। कैसे रहते हैं आप कर्मों से सुखी? अगर आप कर्मों से सुखी हैं तो संडे ऑफ क्यों लेते हैं फिर आप?
वीकेंड पे भी नहीं, मैं तो ऑफिस जाऊंगा, ऐसे बोलना चाहिए ना। अगर आप कर्मों से सुखी हैं तो क्यों छुट्टी चाहिए आपको? एक बताते हैं कि अगर व्यक्ति 365 दिन अगर ऑफिस काम कर लेना तो वो मेंटल डिस्टर्ब हो सकता है, इतना भयानक कर्म है इस जगत का। अगर कोई छुट्टी ना दिया जाए ना तो मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो हमको मेंटल डिस्टर्ब करने वाली चीजें उसके लिए हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख ये नहीं है प्रभु जी। दुख इस चीज से होता है प्रभु जी कि हम लोग जो भक्त जन है ना, हम जानते हैं इन चीजों को, समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे हम वो प्रयास करें कि मुझे इस संसार से निकलना है। ये ज्यादा दुख है प्रभु। हम कभी माला करते हैं, कभी नहीं करते। हमें क्या लगता है कि हम एक बार बस जो मिल जाए बस बिल्कुल आराम है, जिंदगी में कोई दुख नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। मैं भी मानता हूँ, प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, क्यों लगता है? अज्ञानवश। आप मिल लो ना उन लोगों से जो भी आपको बनना है, मिल लो, एक से नहीं कम से कम ऐसे 5 व्यक्ति से मिल लो जो आपको बनना है। आईएएस ऑफिसर बनना है तो 5 आईएएस ऑफिसर से मिल लो पर्सनली। आईईएस बनना है तो 5 आईईएस ऑफिसर से मिल लो। जो भी बनना चाह रहे हो उन 5 से मिल लो तो एक कंफर्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों कर रहे हैं? करो प्रभु जी, कोई बात नहीं, आपके भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा। लेकिन दुख इतना है प्रभु जी कि उस जो चीज आपके भाग्य में पहले से निर्धारित है, डिसाइडेड है, उसके चक्कर में आप वो प्रयास नहीं कर रहे प्रभु जी, जिससे आप इस दुखमय जगत, इस भौतिक जगत, इस खतरनाक जगत से बाहर निकल सकते हो। आपको पता है देवता लोग जो हैं, उनको मनुष्य शरीर प्राप्त करने की कितनी तीव्र इच्छा है, हम नहीं जानते इस बात को। उनकी हम लोग जो सोचा भोग सोच रहे ना, क्या भोग? कुछ बड़ा पोस्ट और कुछ, और ज्यादा ज्यादा हम भी सोच देंगे, हम अपने परिवार वालों को भी वो भोग देंगे, ये भी हम सोचते हैं साथ में, ये सोच कर कि वो भी इससे सुखी हो जाएंगे। लेकिन इस संसार में जो सबसे, मान लीजिए बिल गेट्स है या जो भी, जो सबसे अमीर व्यक्ति जिसके पास इस संसार का सबसे ज्यादा धन है, वो व्यक्ति के पास भी इतना सुख नहीं होगा, इतना भोग नहीं होगा जितना देवता, सबसे जो देवता पोस्ट पे है उसमें, जो सबसे लोवेस्ट पोस्ट पे है देवता, उसके पास भी ज्यादा सुख संधन है इस संसार के सबसे रिच पर्सन से, फिर भी वो सुखी नहीं है, वो दुखी है। क्योंकि बुजी हमारे लिए सुख वही है जिसमें हम अपनी स्थिति में, आज प्रभुपाद लिख रहे हैं इस बात को, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य स्वरूप को समझ लेता है, भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वो भगवान की प्रेमा भक्ति करता है और वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। पता नहीं हमें क्या हो रहा है, बहुत बेकार है संसार।